जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत ही आभार है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएँ, ताकि आपको हमेशा सही जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये चार लोग यदि आपके आसपास हैं जो आपको बर्बाद कर सकते हैं, जो आपके अच्छे खासे जीवन को तकलीफ में डाल सकते हैं, वो कौन कौन से लोग हैं, उन पर हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखें, तब जाकर आपको सही जानकारी पूरी मिल पाएगी। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं और कंसल्ट प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। उसका शुल्क है दोस्तों, और शुल्क पे करके आप बात कर सकते हैं। सबसे पहले वो व्यक्ति जो आपके सामने आपको अन्य लोगों की बातें बताता हो, सबसे महत्वपूर्ण बात फिर से समझिएगा कि वो व्यक्ति जो अन्य लोगों की जानकारी आपको बताता है, आप ये ज़रूर यकीन मानिए कि जो लोग जो आपको लोगों की बातें बता रहा है, वो आपकी भी बातों में अपनी तरफ से कुछ बातें जोड़कर वो अन्य लोगों को बता देंगे। आपने किसी के बारे में कुछ और कहा या कुछ आपका कहने का वो मतलब नहीं है जो उसने खुद अपने मन से निकालकर अन्य व्यक्ति को कह दिया। ऐसे लोगों से जो चुगली आपको करते हैं, किसी की चुगली, किसी की बातें आकर बताते हैं, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। ये लोग बेफिजूल में आने वाले किसी भी वक्त में आपके दो अच्छे व्यवहारों के बीच खटास पैदा कर सकते हैं, और ये लोग एक बड़ा विवाद भी करवा देते हैं, और कई बार बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा, मन से बनाई गई बातों के द्वारा चीज़ें क्रिएट कर देना। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें और ऐसे लोगों को दूर ही रखें, क्योंकि हमें नहीं किसी की सुनना है। दूसरा है व्यसन और नशा करने वाले। आपका कोई दोस्त व्यसन या नशा करता है, दोस्ती तो निभाना ज़रूरी है, लेकिन ऐसे लोगों से फिर भी आप दूरी बना के रखें। वो अपना नशा करता है, वो अपनी जगह है, वो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जब वो नशे का उसका दौर है या जो नशे का टाइम पीरियड है, जब भी वो नशा करता है, नशे के दौरान आप उसके साथ ना रहे, क्योंकि नशे में व्यक्ति कुछ भी कर देता है, अच्छे खासे संबंध खराब हो सकते हैं और कई बार तकलीफें हो सकती हैं। तो मोटे मोटे पर यही बात कि जो नशा करता है उससे दूरी रहें, कोई सा भी नशा करता है उससे दूर रहें, क्योंकि जो नशा करता है वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जिसे अपने अपने शरीर की परवाह नहीं है, वो अन्य की परवाह क्या होगी, सबसे बेसिक सब कॉन्सेप्ट। और आज के इस दौर में बहुत सारे लोग नशा कर रहे हैं, तो इस पर कितना भी बोलना या कितनी बातें कहना सब कम है। तीसरी बात है जो लोग महिलाओं की इज्जत नहीं करते, जिसमें महिलाएं भी शामिल है, जैसे महिलाओं की इज्जत कहने का मतलब है कि जो महिलाओं का पूर्ण सम्मान नहीं करते हैं, मन में कुछ और, मुंह पे कुछ और आपको कुछ और बता रहे हैं, ऐसे लोगों से दोस्तों ना कब बायकॉट रखें। बायकॉट रखने का मतलब यही है कि वो आने वाले समय में अपनी इस खराब आदत की वजह से आपको परेशानी में डाल सकते हैं। ये बातें याद रखें। जय श्री महाकाल।